तो हाँ जी फ्रेंड, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? तो हाँ जी फ्रेंड, आज की दूसरा पार्ट है ये मेरा टाटा इस्मेगा के ऊपर। जो टाटा इस्मेगा का पहला पार्ट आपने देखा होगा, अभी जो पिकअप ड्रॉप कर रही थी, P0087 का कोड बना रही गाड़ी, पिकअप लो थी उसकी और गाड़ी बंद हो जाती थी चलते चलते। तो अब जो दूसरा पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, तो आपने अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा टाटा ये मेगा का, तो प्लीज आप दूसरा पार्ट भी जाके देखें, उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड? तो जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है फ्रेंड, लास्ट वाला पार्ट है, तो अब इस पार्ट में हम आपको दिखाएंगे गाड़ी को ही टेस्ट ड्राइव लेकर और गाड़ी का हर काम करके। जो ब्लेंसर शाफ्ट आपने देखी है कट गई थी पहले पार्ट में देख लो जाकर, अगर किसी ने देखा नहीं तो। ब्लेंसर शाफ्ट कट गई थी और उसका जो रूलर टेपटर था वो कट गया था, तो अब उसको करेंगे चेंज, नया डालेंगे। तो हमने स्पेयर पार्ट भी इसका सारा ले आए हैं, ठीक है फ्रेंड? तो आपको स्पेयर पार्ट भी इसका दिखाते हैं और काम करने का तरीका भी दिखाते हैं, हम कैसे काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड? तो ठीक है फ्रेंड, चलते हैं वीडियो में। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज आप उस पार्ट को भी जल्दी देखें और बाद में ये वाला देखें, ठीक है फ्रेंड? तो अगर जो पहले वाला पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज उसको भी लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अगर ये भी पार्ट आपको अच्छा लगा, इस पार्ट में आपको मेरा ये काम अच्छा लगा, तो प्लीज इस पार्ट को भी लाइक करके जाना और अपना अपना कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड? तो करते हैं स्टार्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं, ये इंजन खोल रहे हैं, तो ये मैंने पहले पार्ट में दिखाया गया है, तो मैंने ये पहले पार्ट का थोड़ा सा इसमें क्लिप लगाया है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपने ये पहला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का, तो आप प्लीज़ उस पार्ट को भी जाकर देखें। तो उसमें सभी कुछ बताया गया, जो गाड़ी की प्रॉब्लम कैसे कर रही थी, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते समय जो कौन सा फॉल्ट कोड बन रहा था, तो मैं वो मैंने वीडियो में दिखाया गया, तो आप जाके उसको देखो पहले। तो अगर वो भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आना और कमेंट करके बताना, ठीक है फ्रेंड? करते हैं अगला पार्ट स्टार्ट। तो हाँ जी फ्रेंड, हमने इसका स्पेयर पार्ट सारा ले आए हैं, ठीक है फ्रेंड? और जो नई ब्लेंसर शाफ्ट वो भी ले आए हैं। ये देखो फ्रेंड, ये वही पुरानी वाली और ये साथ में नई वाली बिल्कुल। ये ब्लेंसर शाफ्ट दोस्तों हमें लोकल कंपनी की मिली है, ओरिजिनल नहीं मिली, ठीक है फ्रेंड? हमने 3-4 दुकान पर पता किया, नहीं मिली, और कंपनी से भी पता किया, बट कंपनी वाले भी कहते थे 3-4 दिन लग जाएंगे, ऑर्डर पर मंगवाना पड़ेगा ये ब्लेंसर शाफ्ट, ठीक है फ्रेंड? तो हमें नहीं मिली, कस्टमर को जल्दी थी, गाड़ी चाहिए थी, तो इस करके लोकल डाल रहे हैं। तो लोकल भी ठीक लग रही है, कोई ब्राई नहीं लग रही इसमें, तो ठीक है फ्रेंड डालेंगे। और ये इसका रूलर टैपर फ्रेंड, जो हाई प्रेशर पंप इस पर काम करता है, ठीक है फ्रेंड? जो आपने देखा है इसकी पहले ऊपर वाली कोन टूट गई थी, ये बिल्कुल न्यू है, ओरिजिनल टाटा का रूलर टैपर बोलते हैं इसको फ्रेंड, ठीक है? तो ये इसका प्राइस है 2963 रुपये बॉक्स प्राइस है, ठीक है फ्रेंड? तो बाकी इसका ये रहा छोटा थोड़ा बहुत इसका स्पेयर पार्ट। ये इसके क्रैंक के बिगन, ठीक है फ्रेंड? नीचे वाले नए डालेंगे, जो क्रैंक के होते हैं मेन वो नए डालेंगे। तो ये इसकी रियर क्रैंक सील ओरिजिनल टाटा की। तो ये भी ओरिजिनल है क्रैंक की आगे वाली सील। बाकी ये इसका ऑयल फिल्टर माला कंपनी का, और ये टैपेट कवर जैन, ये भी नया डालेंगे। तो ये फ्रेंड इसके पूरा कूलेंट पाइप है, पूरी किट डाल रहे हैं इसकी। इसके काफ़ी छोटे मोटे पाइप होते हैं, वो सभी नए डालेंगे, वो पूरे हार्ड हुए पड़े हैं, क्योंकि गाड़ी के जब अंदर इंजन गाड़ी में लगा होता था, उसमें पाइप बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिस टाटा इस्मेगा का, तो इस करके इसके सारे पाइप हार्ड थे, तो नए डालेंगे, ठीक है फ्रेंड? और इंजन की कर रहे हैं पूरी साफ़ सफाई, बस लगे हैं ब्लेंसर शाफ्ट फिट करना। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूँ, जो ब्लेंसर शाफ्ट है, सबसे पहले आपने ब्लेंसर शाफ्ट जहाँ रख कर ऊपर वाली कैप प्लेट लगा के घुमा कर देखना है शाफ्ट को, कहीं टायर तो नहीं हो रही, क्योंकि लोकल कंपनी की है तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है फ्रेंड? तो ये बाकी हमने इसका सारा स्पेयर पार्ट इसका जो पार्ट है क्लीन कर लिया डीजल मार के। तो ठीक है फ्रेंड, हमने इसकी ब्लेंसर शाफ्ट रख दी है, तो अब लगाने जा रहे हैं इसकी अपना ऊपर कैप प्लेट। तो सबसे पहले कैप प्लेट टाइट करके देखनी है, गरारी बाद में फिट करनी है, जो ब्लेंसर शाफ्ट की होती है वो पुरानी वाली गरारी लगेगी, ठीक है फ्रेंड? बाकी इसके क्रैंक के बैरिंग डाल दिए है, थर्सर वाशला लगा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड? तो हाँ जी फ्रेंड, जो मैंने आपको बोल रहा था, जो ब्लेंसर शाफ्ट पहले रख कर देखनी है टायर तो नहीं हो रही, तो वही मेरे साथ हुआ फ्रेंड। तो अब ये वाली ब्लेंसर शाफ्ट आप देख रहे हैं, ये मैंने दूसरी और मंगवाई है, ठीक है फ्रेंड? इस पर मैंने गरारी लगवा दी है, क्योंकि ये मैंने पूरी फिट करके कैप प्लेट लगा कर चेक कर लिया है, बिल्कुल ओके है, फ्री है,
जो ये पहले वाली थी मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था वो कैपिलेट टाइट हो रही थी। ये आगे इसका टाइमिंग होता है हैंड बैलेंसर शाफ्ट का। तो ये मैंने दूसरी बैलेंसर शाफ्ट मंगवाई है, कैपिलेट लगाकर भी देख ली, ये बिल्कुल हाथ से घूम रही है। तो दूसरी मैं दिखवाता हूँ, जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया वो बैलेंसर शाफ्ट फिट करने पर टाइट हो जाती थी, बैलेंसर शाफ्ट लगाने पर ऊपरी कैपिलेट लगाने पर ये टाइट बैलेंसर शाफ्ट पूरी ज़्यादा टाइट हो जाती थी तो घूम ही नहीं रही थी। ठीक है फ्रेंड, पूरी गोटी राड से घूम रही थी। ये रही फ्रेंड बैलेंसर शाफ्ट जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया है, ये बैलेंसर शाफ्ट गोटी राड से घुमाने से भी टाइट घूम रही थी, क्योंकि इसको हाथ से घूमना चाहिए। अगर ये टाइट घूम रही है तो इन नीचे से इसने सारा ब्लॉक का फेस ख़राब कर देना है जहाँ से बैलेंसर शाफ्ट चलती है। ठीक है फ्रेंड, नीचे से इसका ब्लॉक कट जाना है, सीज हो जाना है, ये प्लेट भी यहाँ से कट जानी है, सारा इसका साइज़ ख़राब हो जाना, समझ लो। अगर ये दोनों चीज़ों जहाँ से ख़राब हो गया तो समझ लो इंजन का पूरा काम ही ख़राब हो गया, क्योंकि फिर तो ब्लॉक ही नया डालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले बैलेंसर शाफ्ट ओनली फिट करके देखनी है, कैपिलेट लगा के, वो टाइट नहीं होनी चाहिए, हाथ से घूमना चाहिए। तो अब वाली जे वाली बिल्कुल हाथ से घूम रही है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके जो बैरिंग होते हैं वो हमने लगा दिए हैं, तो अब फिट करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, जो मेन बात है बैलेंसर शाफ्ट अगर आप जब भी डाल रहे हैं तो सबसे पहले उसको बैलेंसर शाफ्ट को रख कर कैपिलेट लगा कर तो देखना उसको घुमा कर घूम तो रही है, टाइट तो नहीं हो रही। ठीक है फ्रेंड, तो ये रूलर टाइप डालते हैं। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले बैलेंसर शाफ्ट को चेक करना है वो टाइट ना हो, अगर वो टाइट होगी तो सारा ब्लॉक का जो फेस होता है नीचे से वो सारा कट जाना है, सीज हो जाना है बैलेंसर शाफ्ट, तो ऊपर से कैपलेट भी ख़राब हो जानी है। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसकी आगे वाली सारे टाइमिंग बेल्ट भी नहीं डाल रहे हैं। तो हाँ जी फ्रेंड, इंजन इसका पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा इसके सारे पार्ट लग गए हैं, जो इसके कूलेंट पाइप वगैरह ये टैबलेट कवर वगैरह हमने धोकर पूरा अच्छी तरह से लगा दिया, इजी आर वाल इसका क्लीन कर दिया, हाई प्रेशर पंप इसका लग गया, यानी कि पूरा इंजन इसका कंप्लीट हो गया। अब बस सिर्फ गाड़ी में रखने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अब गाड़ी में रखते हैं, फिर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, गाड़ी को फिर लेते हैं टेस्ट ड्राइव, तो आपको दिखाते हैं टेस्ट ड्राइव लेकर जो उसमें फॉल्ट बन रहा था P0P0087। हाँ दोस्तों, इंजन यदा रख दिता वा तो गाड़ी स्टार्ट भी कर देती है, सारी यदि फिटिंग हो गई है, सारी यदि वायरिंग लग गई है, सारे यदि पाइप पानी वाले जो भी होंगे रेडिएटर ऑयल पानी भी पै गया, इंजन ऑयल भी पै गया वा, तो गेयर ऑयल भी पै गया दोस्तों, तो इंजन की सारी फिटिंग हो गई है, गाड़ी स्टार्ट भी कर दिती है, तो ट्राई यदि लेनी हाले बाकी है, बाकी का थोड़ी बहुत जो कवर कवर रही इंजन के टापे टुपे लगने ये लाने बाद सारी यदि फिटिंग हो गई है दोस्तों। इंजन तो पानी भी मरवाता, इंजन बहुत गंदा होया पाया सीगा, सारा वाश हो गया वा इंजन, तो हुण करदे आ स्कैन, तुहानू दिखाउणे आ क्लीयर करदे आ जो फॉल्ट आ रहे आ, स्कैनर वगैरह कनैक्ट किया होया दोस्तों, करदे आ रीड फॉल्ट कोड। ठीक है दोस्तों, हाँ इन्हें फॉल्ट तो आ गया, ये अपनी सारी वायरिंग हारनेस लाए हुए थी, कैपलर लाए हुए थे, इस करके बन गए सारे फॉल्ट, तो मेन दो अपने जो फॉल्ट बन रहे थे आ बन रहे थे P087 लो प्रैशर, तो P228 रेल प्रैशर लो, लो प्रैशर का फॉल्ट सी गड्डी दे विच, एक सिर्फ लो प्रैशर का फॉल्ट बन रहा है, तो किन्ना कुछ यदा खोलना पै गया, किन्ना कम लम्मा पै गया, खर्चा भी किन्ना ही आ गया, तो कर दें क्लीयर फॉल्ट, यस ओके, कर दें रीड फॉल्ट, ये कोई फॉल्ट नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है, ये भी क्लीयर हो जाने जो गाड़ी स्टार्ट होगी, मार दें सेल्फ हूँ, चल भी मार सेल्फ, सच फिटिंग चल स्टार्टिंग दोस्तों बिल्कुल ओके आ, स्टार्टिंग दी बिल्कुल ओके आ, इंजन दी रनिंग भी बिल्कुल ओके आ, अगे नाल आवाज़ भी गड्डी दी वधिया हो गई आ, एंड टैके चल रहे इंजन, इंजन दी आवाज़ बहुत बढ़िया बन गई है, साउंड बहुत बढ़िया वा, कोई इहदी लिंग नहीं, तो बाकी बस अगर ट्राई लैनी बाकी है दोस्तों, ट्राई लैन चलते हैं बस। नो ट्रबल कोड दोस्तों ओके, इंजन की आवाज़ ओके आ, तो हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव लैन। हाँ दोस्तों, गाड़ी आ गई है रोड पे, तो
दो नंबर गेयर स्कैनर देखा तो कोई फॉल्ट नहीं आ रहा हूँ तो मीटर कोई चेक लाइट नहीं अगे तुम देखा इस स्पीड से आ गए गड्डी लाइट आ जाती तो गड्डी बंद भी हो जाती थी चेक लाइट आ जाती इस स्पीड से दोस्तों हम बिल्कुल ओके हम कोई चेक लाइट नहीं आ रही नहीं तो इतों पहले डाउन स्पीड से यदि चेक लाइट आ जाती गड्डी पिकअप छड़ जाती थी तो गड्डी बंद भी हो जाती थी हम कोई चेक लाइट नहीं आ रही बाकी तो स्कैनर दिखाने स्कैन करके कोई फॉल्ट नहीं आ रहा एंड ओके दोस्तों हम पिकअप की गड्डी की ज्यादा आ अगे पिकअप की गड्डी लो सी ठीक है दोस्तों हम गड्डी चौथे गियर क्या कोई चेक लाइट नहीं आ रही गड्डी की प्रॉब्लम जी सी अपनी पी 0087 कोड वो चला गया वा हम नहीं आ रहा वा और तुम दिखाने का फॉल्ट कोई फॉल्ट तो नहीं बनया स्कैनर करते हैं रीड फॉल्ट गड्डी लाने साइड से हाँ दोस्तों गड्डी साइड से ला ली है तो हम तुम दिखाने स्कैनर फॉल्ट करते हैं रीड फॉल्ट कोड नो ट्रबल कोड दोस्तों अगे तुम देखे वीडियो दे 0087 कोड बन रहा है क्योंकि बहुत ही वड्डी प्रॉब्लम होंगी है कोड की छेती लभ जाए तो लभ जाए नुकस दोस्तों नहीं तो छेती लभदा नहीं आ 0087 का लो प्रैशर का हम प्रॉब्लम चली गई है क्योंकि ये एक छोटा जहा फॉल्ट से दोस्तों कितों तक सारा इंजन का समझ लो खुल गया इंजन बाहर कटना पै गया तो खर्चा भी यदा काफ़ी आ गया वा ठीक है दोस्तों फॉल्ट नो ट्रबल कोड ओके हो गई प्रॉब्लम वाशिंग सेंटर से ले जान वाश करवा गड्डी तो हाँ जी फ्रेंड कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो टाटा इस मेगा पर तो ये जरूर बताना फ्रेंड ठीक है कमेंट करके अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी मेरी ये वीडियो टाटा इस मेगा पर और अगर अच्छी नहीं लगी तो भी वो रीज़न बताना क्या इसमें प्रॉब्लम थी वीडियो में वो भी ज़रूर बताना ठीक है फ्रेंड तो अगर आपका कोई सवाल जवाब हो जो आपको इस वीडियो में से नहीं पता चला हो तो वो भी आप करके पूछ सकते हैं तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा ठीक है फ्रेंड बाकी आप मेरे टाटा इस मेगा पर इंजन ओवरहाल पर वीडियो डाली हुई है टाटा इस नॉर्मल जो HT मॉडल आता है उस पर भी इंजन ओवरहाल वीडियो डाली है उस वीडियो को बहुत अच्छा आपने प्यार दिया तो वो भी आप जाके देख सकते हैं बाकी और भी गाड़ियों पर इंजन ओवरहाल पर गेयर पर गेयर रिपेयर पर ठीक है फ्रेंड शोगले लैंड गेयर की वीडियो डाली हुई है वो भी आप देख सकते हैं बाकी अगर आपको ये टाटा इस मेगा या नॉर्मल HT टाटा इस पर कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट करके बता दो तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ठीक है फ्रेंड जो भी जब भी मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी आएगी जो भी आप कमेंट करके बताते हो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा ज़रूर ठीक है फ्रेंड वो आप कमेंट करके नीचे बता देना तो आशा करता हूँ जो मैंने ये वीडियो डाली है तो इस वीडियो से कुछ नए मैकेनिक जो काम सीख रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिला होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना भाई क्या सीखने को मिला क्या मेरी वीडियो से आपको पता चला है जो आपको पहले नहीं पता था ठीक है फ्रेंड तो बाकी ये तो नॉर्मल काम था कोई इतना बड़ा काम नहीं था हाँ बट जो फॉल्ट आ रहा था वो बहुत बड़ा फॉल्ट था क्योंकि काफ़ी मैकेनिक भाई को जो नए काम सीख रहे हैं उनको पता नहीं चलता ये कोड क्यों आ रहा है वो काफ़ी कुछ बदल देते हैं टैंकी वगैरह की मोटर डाल देते हैं फिल्टर डाल देते हैं रेल डाल देते हैं काफ़ी कुछ चेंज कर देते हैं ऐसी चीज़ों पर तो वो बहुत खर्चा आ जाता है तो फॉल्ट कहीं और मिलता है तो बाकी ठीक है फ्रेंड जो भी काम कर रहे हो पहले पूरा अच्छी तरह से चेक करके वो पार्ट डालो क्योंकि आजकल के पार्ट गाड़ियों के बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो पार्ट बहुत ज़्यादा महंगे हैं तो जो भी आज जो भी ये
कमर्शियल गाड़ियों वाले होते हैं भाई, इनके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता, जो आपको हर चीज़ नहीं ला कर दे दें या आप डाल दें तो फॉल्ट फिर भी क्लियर ना हो। तो ऐसा ना करो भाई, ठीक है मैकेनिक भाई, पहले गाड़ी को अच्छी तरह से उसका फॉल्ट देखो क्या है, तो फिर जो भी पार्ट डालना है वो डालो। तो ठीक है फ्रेंड, ध्यान से चेक करा करो, ध्यान से काम किया करो, ठीक है फ्रेंड। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। अगर किसी ने चैनल मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है फ्रेंड। अगर किसी ने कर दिया तो उसका दिल से बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड, शुक्रिया। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते।